हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 12वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। अथय तदप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अथ एतद अपि अशक्तोषि, अब अगर तुम इसमें भी असमर्थ हो तो किसमें असमर्थ हो? भगवान ने पिछले श्लोक में अभ्यास की बात कही थी कि अभ्यास, अगर कोई व्यक्ति अभ्यास में असमर्थ है तो कृष्ण के लिए भी कर्म करते हुए वो जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इसमें भी असमर्थ हो कि कृष्ण के लिए कर्म करने में असमर्थ हो, तो भगवान कह रहे हैं कर्तुम मद्योगम आश्रित, तो श्री कृष्ण के योग के आश्रित होकर के सभी कर्मों के फल का त्याग करो, और यत आत्मवान अपने मन को बस में करके। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वो अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ दे तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे ये सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियाँ वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनावृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से व्यक्ति क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मना स्थिति में वो कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मफल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं जिससे एक दिन व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। भगवद गीता में ही 18:46 कहा गया है यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वो ये ना जाने कि वो परम कारण श्री कृष्ण है, फिर भी वो क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है तो उसे जीवन की सफलता प्राप्त हो जाती है। उस समय अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि यदि उनके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वे श्री कृष्ण के लिए कर्म कर सकें तो उनके लिए सरल मार्ग क्या है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि ऐसी स्थिति में उनके लिए सरल मार्ग यही है कि वे श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए सभी कर्मों के फलों का त्याग करें।
इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुम, अर्थात यदि तुम ऐसा करने में भी असमर्थ हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका समाज ही विरोध करता है। आज की शिक्षा में श्री कृष्ण को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। यदि कोई श्री कृष्ण के लिए कुछ कर्म करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए कर्म करने से क्या लाभ होगा, यदि समाज की सेवा करोगे तो समाज में आदर प्राप्त करोगे। परंतु यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करोगे परंतु यदि तुम श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो श्री कृष्ण तुम्हें क्या दे देंगे। यदि मृत्यु के बाद कोई जीवन होता तो श्री कृष्ण की सेवा करने से हम मना नहीं करते, परंतु मृत्यु के बाद कोई जीवन ही नहीं है, फिर इस जीवन में श्री कृष्ण की सेवा करने से क्या लाभ होगा। इस प्रकार अज्ञान से भरे हुए समाज के कारण कुछ लोगों को श्री कृष्ण के लिए कर्म करने में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका परिवार ही विरोध करता है। कभी कभी परिवार के बड़े बूढ़े लोग अज्ञान में भरे होने के कारण श्री कृष्ण की सेवा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे परिवार में पहले किसी ने भी श्री कृष्ण की सेवा नहीं की है, हम लोगों ने कभी भी गीता की बातें नहीं सुनी है तथा तुम्हें भी गीता नहीं सुननी चाहिए। तुम मंदिर में जाकर श्री कृष्ण का दर्शन मत करो, इससे तुम्हारी अपने परिवार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तुम श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाओगे, ये पागलपन हमारे परिवार के लिए कलंक है। इस प्रकार अज्ञान से भरे हुए परिवार के बड़े बूढ़े श्री कृष्ण के लिए कर्म करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग श्री कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका धर्म ही विरोध करता है। उनके धर्म के अधिकारी अपने अज्ञान के कारण कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत ऊँचा है, हमारे धर्म में श्री कृष्ण का कोई नाम ही नहीं है। ये हरे कृष्ण का धर्म तो अभी का है परंतु हमारा धर्म बहुत प्राचीन है, हमारे धर्म में तो ऐसी बात ही नहीं आती है कि जो सर्वोच्च ईश्वर है वो हमारे बीच में कभी आया हो। इस प्रकार अज्ञान से भरे हुए धर्म के अधिकारी लोग श्री कृष्ण के लिए कर्म करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द है मत योगम आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यत आत्मवान, अर्थात मेरे योग का आश्रय लेकर तुम सभी कर्मों के फलों का त्याग करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि समाज अथवा परिवार के लोग श्री कृष्ण की सेवा में विरोध करते हैं तो व्यक्ति को श्री कृष्ण के योग का आश्रय लेना चाहिए। योग का अर्थ है मिलन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा छिपानी चाहिए, परंतु ये आशा रखनी कि आगे चलकर उसे श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि समाज तथा परिवार के लोग श्री कृष्ण की सेवा का विरोध करते हैं तो व्यक्ति को श्री कृष्ण के योग का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात इस भावना का आश्रय लेना चाहिए कि आगे चलकर उसे श्री कृष्ण अपनी सेवा प्रदान करेंगे। भागवत 10:39-35 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण अक्रूर के रथ में बैठकर मथुरा जा रहे थे, उस समय वृंदावन की गोपियों को उन्होंने एक दूत के द्वारा यह संदेश भेजा कि वे वापस आएंगे। श्री कृष्ण के संदेश के बल पर गोपियाँ जीवन धारण कर सकीं, अन्यथा वे श्री कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को त्याग देतीं। तो गोपियों ने श्री कृष्ण मिलेंगे इस विचार का आश्रय लिया। इसी प्रकार व्यक्ति को श्री कृष्ण के योग का अर्थात इस विचार का आश्रय लेना चाहिए कि उसे आगे चलकर श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी तथा उसे अपनी श्रद्धा की भावना अपने समाज तथा परिवार से छिपाकर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं
यदि व्यक्ति के परिवार तथा समाज के लोग श्री कृष्ण की सेवा का विरोध करते हैं तो व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा छिपा कर रखनी चाहिए तथा श्री कृष्ण के योग का आश्रय लेना चाहिए कि आगे चलकर उसे श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। चैतन्य चरितामृत अंतलीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि जिस समय रघुनाथ दास अपने घर को छोड़कर श्री चैतन्य की सेवा से जुड़ना चाहते थे उस समय श्री चैतन्य ने उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी सेवा की भावना को छिपा कर रखें तथा ऊपर से अपने समाज में सामान्य व्यक्ति के जैसा कार्यरत रहकर दिखाएं कि वे अपने समाज के ही अनुसार चल रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को समाज में रहकर समाज की ही तरह कार्य करने चाहिए परंतु अपने कर्मों के फल को ना भोगकर उनका त्याग करना चाहिए। गीता 18:9-10-11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता है। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। व्यक्ति को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वो ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है न ही कारखाने के श्रमिकों से वह तो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वो इसका फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता है अतः जो श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है तथा जो श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि व्यक्ति को यत आत्मवान बनना चाहिए। यत शब्द का अर्थ है जीता हुआ, आत्म शब्द का अर्थ है मन तथा वान शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके पास पूर्वोक्त वस्तु है। इस प्रकार यत आत्मवान का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो जीते हुए मन वाला है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहाँ श्री कृष्ण को कोई महत्व ना देकर अन्य सांसारिक वस्तुओं को महत्व दिया जाता है उस समय उसे अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए। उसे सदा श्री कृष्ण में अपने मन को रखना चाहिए तथा बाहर से समाज के बीच में समाज की तरह व्यवहार करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत के अंतलीला के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य की शिक्षा के अनुसार रघुनाथ दास वैरागी न बनकर अपने घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे। रघुनाथ दास अपने गृहस्थ जीवन से भी भीतर से पूरी तरह विरक्त थे किंतु उन्होंने अपने वैराग्य को बाहर प्रकट नहीं किया उल्टे वे सामान्य व्यापारी की तरह कार्य करते रहे। ये देखकर उनके माता पिता संतुष्ट थे। इस प्रकार रघुनाथ दास ने 1 वर्ष तक अच्छे व्यापारी जैसा कार्य किया। ये बात समझने की है कि अवसर की बात है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण से विमुख लोगों के बीच में इस प्रकार रहना पड़ता है परंतु ये उसका लक्ष्य नहीं है। आगे चलकर रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य के आंदोलन में प्रवेश किया तथा श्री कृष्ण से विमुख लोगों की संगति का त्याग किया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति को श्री कृष्ण से विमुख लोगों के बीच में रहना पड़े
उस समय उसे अवसर को देखते हुए उन्हीं की तरह रहना चाहिए। परंतु आगे चलकर श्री कृष्ण ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे कि व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्तों की संगति में आएगा। तो ये श्लोक है जिसमें कि भगवान जो पहले विधि बता चुके हैं तो उसके संबंध में कह रहे हैं कि यदि तुम इस विधि का पालन नहीं कर सकते हो तो ये करो। तो सबसे पहले भगवान ने श्लोक संख्या 8 में विधि बताई थी, मई ये मन आधत्सो मई बुद्धिम निवेश ये, कि मुझे में मन को लगा दो और मुझे बुद्धि को भी प्रवेश करा दो। निवसी शशि मई ये वो अतु ऊर्धम न संशय, तो मुझमें ही तुम निवास करोगे और इससे बढ़कर और कोई संशय, इसके अतिरिक्त और कोई संशय नहीं है। तो ये पहली विधि सीधी न कृष्ण भावना भावित बनना। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि अथ एतत अव्यसक्तोसि, कि अगर तुम इसमें असक्त हो, इसमें अगर तुम असमर्थ हो तो अभ्यासे, तो फिर भगवान ने ये कहा, हाँ श्लोक संख्या 9 में भगवान ने कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मैं स्थिरम, यदि चित्त को मुझ में स्थिर नहीं लगा सकते है? जो श्लोक संख्या 8 में भगवान ने बतलाया मन और बुद्धि को लगाना, तो श्लोक संख्या 9 में भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप तुम धनंजय, कि अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो ना। तो अभ्यास का मतलब है फुल टाइम डिवोटी, जैसे ध्रुव महाराज ने तो 6 महीने अभ्यास किया, भक्ति का अभ्यास किया तो भगवान प्रकट हो गए, है ना। तो अभ्यास योग, लेकिन फिर अभ्यास योग अब श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं अभ्यास से समर्थ हो सी, अभ्यास में भी अगर असमर्थ हो तो मत कर्म है मदर्थम अभिकर्माणि कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि, तो मेरे लिए कर्म करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे, है ना। तो कृष्ण के लिए कर्म करना है ना, तो ये तभी होता है, तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति किसी मंदिर के अधिकारी के संपर्क में हो और मंदिर के अधिकारी को कुछ आवश्यकताएं हैं तो आप उसको पूरी करें। लेकिन अब इसमें क्या है, कई बार समस्याएं आ जाती हैं है? कि मंदिर के अधिकारी सीधे मना करते हैं कि आप मंदिर मत जाइए, तो भगवान कहते हैं अथे तब अति अथे तत अभी असक्तोसि कर्तुम, कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मध्य योगम आस्थिता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु, कि मेरे योग के आश्रय लेकर के समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। कुरु यत आत्मवान, और मुझमें यत आत्मवान का मतलब है अपने मन को पूर्णतः बस में रख करके कार्य करो, है ना। तो ये आज का श्लोक है जिसमें कि भगवान कह रहे हैं कि समस्त कर्मों के फल का त्याग करना है, है ना। तो इसी में हमने चर्चा की कि सब कर्मों के फल का त्याग करना इसका मतलब क्या है, कि सत्व गुण में जो है व्यक्ति को त्याग करना चाहिए, कि अशुभ कर्म से घृणा ना करे और शुभ कर्म से लिप्त ना हो, तो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता। तो अगर कोई व्यक्ति सर्व कर्म फल त्याग करना चाहता है तो सात्विक प्रकार का त्याग करना चाहिए, जो 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो 9, 10 और 11 ये 3 श्लोक हैं 18वें अध्याय के जिनमें भगवान सात्विक त्याग का वर्णन करते हैं। न द्वेष्य कुशलम कर्मे कुशले नानुसंजते, 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं न द्वेष्य कुशलम कर्मे, कि जिसमें अपने को असुविधा हो ऐसे कर्म से द्वेष नहीं करता, कुशले नानुसंजते, और किसी कर्म में हमें ज़्यादा सुविधा मिलती है तो उसमें हम आसक्त ना हों। त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छन्न संशया, तो वो त्यागी है,
सत्व समाविष्ट और सत्व में पूर्णतः स्थित है। मेधावी वो त्यागी भी है, मेधावी है और छिन्न संशय और समस्त छन उसके संशय छिन्न हो चुके हैं। तो फिर भगवान ने कहा ततः करो यत आत्मान, कि अपने मन को बस में रख करके कार्य करो। तो अगर हम सात्विक त्याग करते हैं तो उसमें मन हमारा बस में हो जाता है, क्योंकि सत्वगुण का ये पहला जो लाभ है वो यही है कि हमारा जो मन है वो बसीभूत हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।